आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में महिला कांग्रेस ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस पूर्व मंत्री कौसलिया गोटिया, रेखा जैन, कांग्रेस नगर अध्यक्ष जगत बहादुर अन्नू व तमाम महिला कांग्रेस जनप्रतिनिधि बैठक में शामिल हुई, जहाँ आगामी चुनाव को लेकर महिला कांग्रेस द्वारा रणनीति बनाई गई। वहीं इस बार पार्षद चुनाव में कांग्रेस द्वारा 40 से अधिक महिला प्रत्याशियों को पार्षद उम्मीदवार बनाया जा रहा है, जिसे लेकर महिला कांग्रेस के द्वारा चुनाव में महिलाओं को जुट जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव में जीत हासिल करने का मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। महिला कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में हमारे बीच में शहर के अध्यक्ष जगत बहादुर अन्नू सिंह जी के सानिध्य में चुनावी प्रक्रिया को लेकर संपूर्ण महिला कांग्रेस की आज यहाँ बैठक बुलाई गई है, क्योंकि इस बार 40 से ज़्यादा महिलाओं को टिकट दी जा रही है। उसके लिए हम कैसे रणनीति बना सकते हैं, हम चुनाव कैसे जिता सकते हैं, ये हम सारे महिलाओं ने कमर कसी है। इनको एक तरह से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छे चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टियों की कुरीति और भारतीय जनता पार्टियों की नीति का ये मुकाबला कैसे कर सकते हैं, उसका आज हम लोगों ने यहाँ पर पूरे संपूर्ण तरीके से पूरी महिलाएं शहर की जितनी भी नई पुरानी वर्तमान इसके पहले सारी महिलाओं ने आज ये शपथ ली है कि हम हर तरीके से अपने महापौर को जिताएंगे और जिन बहनों को टिकट दी जाएगी उनको जिता के हम नगर निगम में भेजेंगे। यही आज हम लोगों की शपथ होगी। जय भारत, जय हिंद। महिला कांग्रेस की मातृशक्तियों ने मिलकर आज एकजुटता के साथ महिला कांग्रेस की एक बैठक रखी, जिस बैठक में उन्होंने बहुत सारे मापदंड तय किए कि आने वाले दिनों में चुनाव नगरीय निकाय के चुनाव हैं सामने, लगभग 40 मातृशक्तियों को चुनाव लड़ना है, महिला कांग्रेस से चुनाव लड़ना है और महापौर का चुनाव होना है। ये सब मिलाकर पूरी रणनीति तैयार की गई, किस तरीके से चुनाव लड़ना है यह तय किया गया और ज़बरदस्त उत्साह आज महिला कांग्रेस में देखने को मिला है। यह उत्साह आज का बताता है कि आने वाले दिनों में जब 6 जुलाई को वोटिंग होगी और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो यह अधिक से अधिक संख्या में हमारी महिला कांग्रेस की प्रत्याशी तो जीतेंगी ही, साथ में बहुमत भी हमारा पार्षदों का नगर निगम में होगा और हमारा महापौर प्रत्याशी जो भी होगा वो भी चुनाव जीतेगा और यहाँ जबलपुर में हम परचम फैलाएंगे। और जो हमारा शहर बहुत पीछे जा चुका है पिछले 18 वर्षों में, भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुत पीछे कर दिया है वो हम आगे लेकर आएंगे, 5 वर्षों में सेवाएं करके जबलपुर शहर को महानगर जरूर से बनाएंगे।